गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई हैव स्टार्ट माई क्लास रूम। आप लोग स्कूल आते हो ना, तो देखते हो आप लोग क्या, आप लोगों को अपने आपकी क्लास में क्या घर जैसी थिंग्स दिखती है आप लोगों को? नहीं नहीं दिखती है। घर में किचन दिखता है, सोफ़ा दिखता है, फर्नीचर दिखता है, बेड दिखता है, मगर जब हम लोग स्कूल आते हैं तो वहाँ क्या दिखाई देता है हमको? ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, चॉक, डस्टर, बुक, कॉपी, बैग, है ना। तो आज हम अपने स्कूल में देखेंगे कि हम लोग अपने क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो नोटबुक, बुक, चार्ट, स्कूल बैग, चेयर, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, डस्टबिन। डस्टबिन भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ना हमारे स्कूल के लिए, तो क्योंकि जो आप लोग शॉर्पनर यूज़ करते हो तो उसका कचरा निकलता है, तो उसको डालने के लिए डस्टबिन चाहिए। ब्लैक बोर्ड नहीं रहेगा तो हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे। टेबल चेयर नहीं रहेगा तो बैठोगे कैसे। तो ये जितनी भी थिंग्स हैं ये सारी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, है ना। तो स्कूल में एक्टिविटीज़ ही, स्कूल हमारे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है देखिए। ड्राइंग, कंप्यूटर, स्विमिंग। स्विमिंग होता है आपके स्कूल में? नहीं होता है। तो जो नहीं होता है उसमें आप क्या करोगे, जो आप लोग अपने ज़्यादा लाइक करते हो ना अपने स्कूल में, ड्राइंग करना ज़्यादा पसंद है आपको कि कंप्यूटर चलाना ज़्यादा पसंद है, तो आप उसमें क्या करेंगे, ऐसा राइट का टिक लगाएंगे, ठीक। फिर सेकंड लाइन में क्या दिया है, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग। आपको लिखना ज़्यादा पसंद है कि रीडिंग करना पसंद है कि आपको गाना गाना पसंद है, आप उसका करिए। फिर आप लोगों को स्पोर्ट्स भी मिलता है, तो प्लेइंग, डांसिंग, ईटिंग। तो आप लोग क्या पसंद करते हो क्लास में? प्लेइंग, हाँ, वेरी गुड। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, राइट का टिक लगाएंगे, इस बुक वर्क को आप करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। ओके, टेक केयर।